इस वीडियो में हम आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर के ईएमआई फीचर के बारे में बताएंगे। ईएमआई का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का फीचर खासकर उन व्यापारियों के लिए है जो अपने कस्टमर को किस्तों में पैसा पे करने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे टीवी डीलर्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन डीलर्स, ऑटोमोबाइल जैसे स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल डीलर्स। ईएमआई सिस्टम में कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग ईएमआई प्लान डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ कस्टमर मंथली पेमेंट करना चाहते हैं और कुछ हर 15 दिन के बाद इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं और कुछ कस्टमर हर 2 महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर में कस्टमर का ईएमआई प्लान आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ईएमआई सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ईएमआई में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ईएमआई प्लान कैसे डिज़ाइन करना है, पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री कहाँ करनी है, इस महीने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आने वाली है उसको कहाँ से देखना है, ईएमआई की रिसीट की एंट्री कैसे करनी है, तो चलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो आपने यूटिलिटी में आना है। यहाँ पे आपने ऑप्शन पे आना है। इसमें आपको एक ऑप्शन दी गई है इनेबल ईएमआई कैलकुलेशन, इसको आपने टिक लगाना है आगे से। उसके बाद अप्लाई करना है, यहाँ ओके करेंगे, अभी इसे क्लोज कर देंगे। अभी हम एक कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे जिसको हमने इंस्टॉलमेंट पे सेल करनी है। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ अकाउंट पे आएंगे, न्यू करेंगे, यहाँ कस्टमर का नाम दे देंगे, यहाँ ग्रुप में कस्टमर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं। बाकी की डिटेल भी आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस कस्टमर को आपने ईएमआई प्लान देना है, मींस इंस्टॉलमेंट पे सेल करनी है, उसका अकाउंट बनाते टाइम आपने मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस पे टिक लगाना है। तो इसको आगे से टिक लगा देंगे हम। बाकी की डिटेल भी आप फिल कर सकते हो। अभी इसे सेव करेंगे हम, ओके करेंगे, अभी इसे क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम इसकी एक सेल की एंट्री करके देखेंगे। तो सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेल डेट आ जाएगी, टर्म में क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने इंस्टॉलमेंट पे सेल करनी है, बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जो सेल करनी है, क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पे इसका प्राइस आ गया, ये टैक्स ऐड होने के बाद टोटल अमाउंट जो है इतना हो चुका है इसका, इसे ऐड कर देंगे। तो अभी मान लीजिए जो भी टोटल अमाउंट बना है, बिल बना है, उसका आपने इंस्टॉलमेंट प्लान बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है ईएमआई, इस पे आना है। ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगी अगर आपने यूटिलिटी में ऑप्शन में जाके इनेबल ईएमआई पे टिक लगाया होगा। अगर वहाँ पे आप टिक नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगी आपके पास। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे 14,160 रुपये है। इसकी आपने कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है आप यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में डालोगे। लेकिन सपोज कस्टमर चाहता है कि 4,160 रुपये मैं अभी आपको पे कर देता हूँ, जो बाकी की 10,000 पेमेंट है उसको आप इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो डाउन पेमेंट वो दे रहा है उसकी एंट्री आपने कहाँ पे करनी है, यहाँ चार्जेस पे आओगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके आप डाउन पेमेंट के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, चार्ज हेड जो है हम डाउन पेमेंट रखेंगे। यहाँ अकाउंट हेड हम कैश सेलेक्ट करेंगे। डाउन पेमेंट जो है वो टोटल बिल अमाउंट में से माइनस होगी, इसलिए हम यहाँ माइनस पे टिक लगाएंगे। अभी हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है इसका अकाउंट, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ रिमार्क्स में कुछ नोट करके रखना चाहें आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ आपने अमाउंट डालना है जो कस्टमर दे रहा है, अभी इसे ऐड कर देंगे। इस पेमेंट को ऐड करने के बाद हम ईएमआई पे वापस आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे बाकी की पेमेंट दिखा रहा है 10,000 रुपये। तो अभी हमने इसका इंस्टॉलमेंट प्लान बनाना है।
तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में डालेंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट बनाना चाहते हैं हम इसकी, मान लीजिए 10 इंस्टॉलमेंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया है कि एक इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने अमाउंट की बनेगी। तो अभी यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे 1000 दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। तो मान लीजिए कस्टमर जो है पहली इंस्टॉलमेंट कम या ज़्यादा देना चाहता है, तो आप मैनुअली यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कम कर रहे हैं इसको, पहली इंस्टॉलमेंट 800 रुपये देनी है, तो यहाँ पे बाकी की इंस्टॉलमेंट में सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर दी है, उनका अमाउंट इंक्रीज हो चुका है इक्वली। तो फिलहाल यहाँ पे हम 1000 रखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट ऑन डेट है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है किस डेट को ली जाएगी। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे एक मंथ बाद की डेट देता है, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनुअली भी डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो इस डेट को। यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप डालोगे कि जो इंस्टॉलमेंट है आपने पर मंथ लेनी है या 2 मंथ लेनी है, कुछ दिनों के बाद लेनी है, तो वो यहाँ पे आप सेटिंग कर लोगे। मान लीजिए आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट लेनी है कस्टमर से, तो आप यहाँ पे 1 डालोगे, यहाँ पे मंथ ही रखोगे। अगर आप इसे चेंज करना चाहें, मान लीजिए कुछ कस्टमर चाहते हैं कि 20-20 दिन के बाद हम पेमेंट देंगे, तो यहाँ पे आप 20 डालोगे, यहाँ पे आप डे सेलेक्ट करोगे। तो इसकी इंस्टॉलमेंट की जो सेटिंग है हर 20 दिन के बाद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डेट जनरेट हो जाएगी 20-20 दिन के बाद की। तो मान लीजिए किसी कस्टमर से आपने हर 2 महीने के बाद पेमेंट लेनी है, इंस्टॉलमेंट लेनी है, तो यहाँ पे आप 2 डालोगे, यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है, तो इसकी सेटिंग हर 2 महीने के बाद की हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। तो फिलहाल हम 1 महीने की सेटिंग कर रहे हैं, तो ये डाल के यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बन के आ जाएंगी। यहाँ पे साथ में आपको डेट देगा कि किस किस डेट को आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है कस्टमर से। अगर कस्टमर चेक के थ्रू इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता है, उसने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं, तो चेक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम चेक नंबर डाल रहे हैं, एंटर करेंगे। तो एंटर करते ही ऑटोमेटिकली चेक नंबर की सीरीज बन जाएगी। अगर आपने किसी चेक नंबर को चेंज करना है तो आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली सीरीज बना देता है। इसके अलावा यहाँ आप ग्रांटर का नाम भी दे सकते हो, जो कस्टमर के साथ आया है पर्सन, आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ ग्रांटर का एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, कोई उसका प्रूफ लिया है, डॉक्यूमेंट लिया है तो आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो। रिमाइंडर में कुछ भी नोट करके रखना चाहें इस पर्सन के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, ओके करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो, इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद जब भी वो इंस्टॉलमेंट पे करने आता है, उसकी एंट्री आपने कहाँ पे करनी है, यहाँ क्विक रिसीट पे आएंगे, यहाँ पे डेट डालोगे। सपोज यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की डेट डाल देते हैं, क्योंकि पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 5 जून की थी, एंटर करेंगे। क्योंकि कस्टमर ने हमें इंस्टॉलमेंट जो है चेक के थ्रू देनी है, इसलिए हम पेमेंट मोड में बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे रिसीट नंबर आ जाएगा, रिसीट नंबर आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 1 आ गया है, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमने इंस्टॉलमेंट लेनी है, यहाँ दीपक कुमार को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, जो चेक हमने बैंक में लगवाना है उसका नंबर डालेंगे पहले चेक का। यहाँ पे हम चेक डेट डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर की बैंक का नाम डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे ही हमने कस्टमर को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे उसका बैलेंस भी दिखा रहा है ऊपर कि कितनी पेमेंट इसने हमें देनी है। तो यहाँ टोटल अमाउंट में हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट डालेंगे 1000। यहाँ से एंटर करते ही आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा इंस्टॉलमेंट्स की। तो यहाँ पे लिस्ट में पहली इंस्टॉलमेंट क्लियर हो रही है अभी, इसको कंटिन्यू कर देंगे।
रिमार्क्स में कुछ नोट करके रखना चाहें कर सकते हैं। एंटर करते हुए इसे सेव कर देंगे, ओके करेंगे। तो नीचे यहाँ एंट्री ऐड हो चुकी है, अभी इसे क्लोज करेंगे। तो अभी हमने इसकी रिपोर्ट चेक करनी है कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, कितनी बाकी हैं। तो उसके लिए यहाँ डिस्प्ले में आके आपने बिल वाइज कलेक्शन रजिस्टर चेक करना है। यहाँ आप डेट रेंज सेट कर लोगे कि किस डेट तक आपने इंस्टॉलमेंट चेक करनी है। यहाँ पे आपने बिल्स ड्यू विद इन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टिक लगाएंगे, इसे ओके करेंगे अभी। तो यहाँ पे आपके पास वो सभी कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट किस किस डेट को लेनी है आपने, बाकी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, यहाँ पे बिल डेट आ जाएगी, यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट को आपने इंस्टॉलमेंट लेनी है कस्टमर से। तो इस तरह से आप डेट रेंज सेट कर लोगे जिस डेट तक आपने इंस्टॉलमेंट देखनी है कि कौन कौन से कस्टमर की कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अभी इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आप EMI प्लान को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू।